सबसे पहले तो आप देख लो हमारा क्या ये स्विचिंग सर्किट है। आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है हमारा मेन मॉस्फेट हो गया, इधर सपोर्टिंग मॉस्फेट हो गया, क्लियर। और ये जो आईसी मैंने बनाई है, इस आईसी में अगर आप देखोगे, मैंने इस आईसी को दो पार्ट में आपको दिखाने की कोशिश की है। एक पार्ट आपको ये पूरा का पूरा दिख रहा है और दूसरा पार्ट आपको ये दिख रहा है, करेक्ट। दो पार्ट इसके। अच्छा, आईसी कौन सी है? यहाँ पर लिखा हुआ है G5619R, G5616B, F28207P या 4B, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इससे है क्या, ये जो आईसी हमारी है ये बहुत फेमस आईसी है RT8207P, समझ गया ना। इसके ऊपर कोड क्या लिखा रहता है, 4B, ये कोड लिखा रहता है 4B, है ना। और ये आईसी किसके लिए हो जाता है, ऊपर मैंने नाम दे दिया। सर्किट क्या हमारा ये VDD2, VDD और VDD reference सर्किट, मतलब यहाँ पर ये आईसी तीन सर्किट का काम कर रहा है, मतलब तीन आउटपुट निकाल रहा है। अब तीन आउटपुट में से एक आउटपुट आपको ये मिल गया VDD2, पहला आउटपुट। दूसरा आउटपुट देखोगे कहाँ है, तो एक आउटपुट हमारा ये रहा। तो अब यहां पर देखिए आप, एक आउटपुट तो वो हो गया, दूसरा आउटपुट ये हो गया, तीसरा आउटपुट ये हो गया हमारा VDD ref, ठीक है ना। तो एक आउटपुट हमारा क्या होगा, स्विचिंग प्रोसेस से वहां पर निकलेगा VDD2, क्वाइल आपका टेस्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ये क्वाइल पे आप चेक कर सकते हो। दूसरा आईसी की पिन पे चेक किया जा सकता है। तीसरा मेरा क्या है, VDD, ठीक है ना। अभी जो इसको आप यहाँ पर सीक्वेंस देने की काम करेंगे, तो सीक्वेंस आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इस आईसी में सबसे पहले तो आप देख लो, सबसे पहला क्या होगा, ये रहा मेरा VCC पिन, VDD पिन, VCC पिन और VDD पिन। इसमें आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 वोल्ट टॉलरेज इन किया है ना। साथ ही साथ हम देख रहे हैं यही 5 वोल्ट टॉलरेज एक 5.1 के राइचर से होकर के फिर यहाँ पर 11.5 ओम का राइचर है ना। ये कहाँ पे आ गया, पिन नंबर 13 पे आ गया। वैसे 11.5 नहीं होगा, आई थिंक ये किलो में होगा, ये क्या होगा आपका किलो में। और साथ ही साथ देखोगे यहाँ पर एक और इनपुट मैंने क्या दिखा, डीसी बैट आउट। तो डीसी बैट आउट तो मेरा इस मॉस्फेट के इनपुट ड्रेन पर भी आया, जो कि हमारा क्या होगा 19 वोल्ट स्टैंडर्ड मान के चले तो 19 वोल्ट। मतलब इस आईसी की रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला चार टेस्टिंग पॉइंट तो ये हो जाता है 5 वोल्ट और 19 वोल्ट मेरा बना कि नहीं बना। साथ ही साथ मॉस्फेट के ड्रेन पर तो 19 वोल्ट आएगा ही, है ना। अब आईसी को जरूरत किसकी है, एनेबल आने की। तो एनेबल में आप देखो यहाँ पर ये एनेबल आएगा, S5 पे आया। अब कहां से आएगा, क्या आएगा, तो मैंने तीनों पॉसिबिलिटी लिखी है। हो सकता है मेरा PMSLP S4 आए, कहां से आएगा ये PCS, या फिर मेरा CSON आए, कहां से आएगा IOS, या फिर मेरा PG2.5 वोल्ट DPP, याद आ गया क्या है ये DPP का जो पावर यूनिट है, हो सकता है यहां पर आए। अब किस बोर्ड में क्या आ रहा है वो तो आपको डायग्राम देख के पता चलेगा, बाद में किसको कोई काट नहीं सकता, ये फिक्स है, समझ गया ना। नहीं भी कुछ तो 99% ये सही है, 1% भगवान के नाम पे कुछ भी हो जाए, कंपनी वाले कुछ भी कर ले, है ना। 99% तो आपका यही रहेगा। वोल्टेज क्या बनेगा इस पे, 3.3 वोल्ट। तो क्या हो गया, सप्लाई रिक्वायरमेंट पूरी, एनेबलिंग आया, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, स्विचिंग स्टार्ट, हाई गेट लो गेट स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये स्विचिंग स्टार्ट होते हैं यहाँ पर वोल्टेज आपका बन गया VDD2। अब VDD2 वोल्टेज क्या होगा, VDD2 वोल्टेज क्या होगा, तो डिपेंड करेगा रैम स्लॉट क्या है। तो जनरली अगर हम बात करें तो DDR4 को लेकर बात करते हैं, क्योंकि DDR3 और 3L तो पुराना हो गया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे VDD2 वोल्टेज मेरा कितना है, 1.2 वोल्ट, ये मेरा आउटपुट जनरेट हो जाएगा, है ना। रिक्वायरमेंट आपके सामने है, ये चार पिन पे आपको 5 वोल्ट 19 वोल्ट एज ए सप्लाई रिक्वायरमेंट चेक करनी है। और ये जो CS है ये एक्चुअली किस बात के लिए है, ये सेटिंग्स है करंट सेटिंग्स की, वोल्टेज क्या आएगा वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया।
और जब ये इनेबल आ गया आईसीएम अपना काम स्टार्ट कर देता है, समझ गए ना। तो अब क्या हो जाएगा, आईसी जो अपना काम स्टार्ट किया वहां पर तो 1.2 वोल्ट बनेगा, तो 1.2 वोल्ट ही क्यों बनेगा, तो उसके लिए क्या मिला ये, अब ये क्या है आपको खुद ही पता है, नाम क्या दिया, वीडीडी प्रोसेस, क्या है फीडबैक। तो यहां पर एडजस्ट किया गया, अब देखो यही आईसी कोर भी आईसी, ये आपको हो सकता है आपको DDR3 में भी मिले, तो DDR3 में मिलेगा तो क्या होगा, केवल ये रजिस्टर का चेंजेस होगा, उस हिसाब से DDR3 के हिसाब से 1.5 वोल्ट, अगर DDR3 में मिला तो सेम आईसी रहेगा 1.35 वोल्ट, तो कहने का मतलब यही आपका, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि मेरा यहाँ पर मिल गया फीडबैक VDD2 सेट, उस हिसाब से आउटपुट आपको मिलेगा। तो मतलब वही बात आ जाती है कि अगर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, तो आउटपुट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप एनेबलिंग है सप्लाई रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो, ये दोनों ओके है फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है ना। तो दिक्कत मेरी क्या हो सकती है, ये जो मेरा पाथ है ये पाथ भी तो डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये पाथ के लिए आप क्या कर लो, पहले अगर इस पे कोई शॉर्ट पैड है तो शॉर्ट पैड को हटा के देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे पाथ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब आपने शॉर्टकट हटा दिया फिर भी आउटपुट नहीं मिला तो अब आपका चांस हो सकता है मेरा आईसी खराब है ना, हो सकता है मेरा ये कनेक्टिविटी का इशू, ये कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, ये रजिस्टर इशू है ना, या फिर एक और पे यहां पर आपको नजर आ रहा होगा क्या लिखा है, ये आपको फिर भी यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जब आपका आउटपुट बन गया VDD2, आप देखो अगर इस लाइन को इस ड्रॉ को और एक पिन पे आ रहा है ये क्या नाम है इसका, VLDO, अब ये इन हुआ, अब नाम से पता चल रहा है VLDO इन, मतलब LDO के लिए इन किया इसने, तो LDO ये मेरा क्या सेक्शन, LDO सेक्शन है ना। अब ये इनपुट क्या है LDO सेक्शन का, तो वही VDD2, VDD2 यहां पर इन किया, अब इसको भी एक एनेबल किया था, एनेबल यहां पर क्या मेरा एनेबल कितना नाम होता है S3 है ना, ये एक आईसी की बात की है, ये सभी आईसी की बात हो गई, जितने भी आपको रैम पर वोल्टेज वाली आईसी है ना सबका यही रहता है, आपको बस यहाँ पे ध्यान में रखना है क्या क्या नाम मैंने लिखा है ना। तो यहाँ पर जो एनेबल आएगा S3 क्या आएगा, या तो PMSLP S3 या फिर SSP हैश, या फिर मैंने एक और नाम लिखा है SLPG कंट्रोल, समझ गए ना। तो अब कहाँ कहाँ से आएगा उस चीज को भी देख लो, अगर PMSLP S3 आया तो PCH, SSP आया तो IO, और PSLPG कंट्रोल आएगा तो ये CPU, कहां से आएगा CPU। अब बोर्ड पे क्या है वो आपको देखना पड़ेगा डायग्राम में, जो भी होगा आएगा क्या 3.3 वोल्ट ही आएगा। तो क्या हो गया, इनपुट मिल गया, एनेबल मिल गया, ये निकल गया मेरा आउटपुट, और वही सेम आउटपुट क्या हो गया सेंस की होगा। अब आउटपुट होगा क्या, आउटपुट यही होगा, इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं, एक दो ये मेरा VDD क्या हो गया मेरा, मैंने बोला 1.2 वोल्ट, तो 1.2 वोल्ट मेरा इस पे भी बनेगा, VDD2 सेंस पे भी क्या बनेगा 1.2 वोल्ट है ना। और इसको कैलकुलेट कर लेना 6K 10K करके कितना आता है, करो कैलकुलेट यहाँ का वोल्टेज क्या होगा अगर हम चेक करें, वैसे यहाँ का VDD2 के सेट का वोल्टेज कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप देखो क्या है 0.75 यहाँ का वोल्टेज बनेगा 0.75
मतलब आईसी को अगर 0.75 वोल्ट मिल रहा है तो आईसी समझेगा यहाँ पे 1.2 वोल्ट करेक्ट है, करेक्ट चलेगा। वैसे इस वोल्टेज को कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलो क्यों? क्यों सर? यार जब अगर आपका आउटपुट बन ही रहा है तो इसको क्यों चेक करोगे? अगर आउटपुट बन ही रहा है 1.2 वोल्ट तो इसको क्यों चेक करोगे? बात तो ये आ गई ना, फिर वोल्टेज कभी भी इनफैक्ट इतनी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ गए ना। और जब वोल्टेज नहीं बन रहा है, जब आउटपुट में वोल्टेज नहीं है तो यहाँ फिर वोल्टेज कैसे आएगा? तो ये जो डिग्री क्यू सेट है उसमें केबल और केबल कनेक्टिविटी और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देखी जाती है ना। तो आपका इनपुट हुआ 1.2 वोल्ट, वीटीटी होगा इसका 0.64, समझ गया ना। और ये जो वीटीटी रेफरेंस है ये भी सेम 0.64, ये मिल गया आपको आउटपुट, तीन आउटपुट आपके पूरे हो गए, समझ गए ना, तीन आउटपुट आपका यही मिल गया। अब देखो कितने पिन की आईसी है ये, 20 पिन की आईसी है, टोटल ये 20 पिन की आईसी है। 20 पिन में से अगर मैं देखूं तो सारे पिन का मैंने जिक्र कर दिया है, कितनी पिन होती सबका मैंने जिक्र किया हुआ है ना। और अगर आप डायग्राम देखोगे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा, इसीलिए इसको मैंने अपने हिसाब से डिजाइन करके आपको दिखाया है कि भाई दो इनपुट है, एक मेरा क्या दो सेक्शन है इसमें, एक आप बोल दो बक कन्वर्टर है, है ना, या फिर स्विचिंग, और दूसरा इसको क्या बोलूंगा मैं, एलडीए बोलूंगा ना। तो ऐसा तो आपके स्टेप डाउन सेक्शन में भी था और चार्जिंग में भी था, फर्क क्या था? चार्जिंग में एलडीओ पहले एक्टिव होता था और स्विचिंग वाला बाद में, स्टेप डाउन में भी एलडीओ पहले निकलता था स्विचिंग बाद में, या एलसीडी तो सेम है, बस फर्क क्या है स्विचिंग पहले एलडीओ बाद में। तो ये तीनों आईसी में कोई फर्क ही नहीं है, अगर ऐसे देखा जाए तो चार्जिंग को थोड़ा साइड कर दो, स्टेप डाउन वाला आईसी में कोई फर्क ही नहीं है भाई, वहां पर दो आउटपुट है, यहां पर एक आउटपुट है ना, ये जो स्विचिंग वाला आउटपुट है वहां पर दो थे, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, यहां पर एक है ना। एलडीओ अगर देखोगे तो एलडीओ में बोल देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर दो एलडीओ है, एक ये एक ये, तो ये वाला जो वीटीटी रेफरेंस देख रहे हो ना, ये आउटपुट ये मोस्टली क्या रहता है, अनयूज्ड, इसका यूज नहीं किया जाता, और जहां यूज किया जाता है वहां आपको आगे जगह बताऊंगा कि इसका क्या यूज किया जाता है, समझ गया ना। अगर यूज नहीं किया गया तो वोल्टेज बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला वीटीटी अब ये जाएगा कहां, बात आ जाती है कि कौन सा वोल्टेज कहां जाने वाला है। तो ये जो वीटीटी आउटपुट हुआ ये आपको रैम स्लॉट पे जाएगा, ये आपको रैम स्लॉट पे, समझ गया ना। और ये जो वीटीटी क्यों है ये आपको दोनों दिशाएं में रैम स्लॉट पे भी सीपीयू पे भी, अब आप केस में एक स्विच पे भी जाता है, एक स्विच पे भी जाता है, समझ गए ना, यही आपका तो कुल मिला के नंबर में इसमें कितने हो गए, दो हो गए, एक तो हो गया मेरा ये S5 लिखा है और S3 बार है ना। कहां से आएगा ये सिग्नल, ये मैंने यहां पर जिक्र कर दिया, अब आपको देखना होगा, समझे ना, किस पिन पे कौन सा वोल्टेज आएगा। ऑलमोस्ट वो भी क्लियर हो गया, 0.6 वोल्ट यहाँ पर भी, 0.6 वोल्ट ग्राउंड ग्राउंड पे कोई बात नहीं, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट टॉन पिन पे यही 19 वोल्ट, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। बीएसटी पे क्या रहेगा भाई, यहाँ पर तो वोल्टेज वोल्ट की बात ही नहीं करना, यहाँ पर आपका सीधा सीधा कह लो वेबफॉर्म मिलेगा, हार्ड ड्राइव पे भी वेबफॉर्म मिलेगा आपको DSO से चेक करने पे, फेज पे भी आपको वेबफॉर्म मिलेगा DSO से चेक करने पे, और ये नोट ड्राइव है इस पे भी वेबफॉर्म मिलेगा, समझ गए ना। बस ये आईसी हो गई खत्म, ये आईसी हो गई हमारी क्लियर। अब ये आईसी आपका क्या हो गया, एक बेस हो गया, बेसिक्स आपका ये बन गया। अब इसी आईसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता जाएगा। अब मान लो कोई आधार आईसी आ गई,
इसी फैमिली की रही, बस थोड़ा सा पिन डिटेल्स चेंज होगा, थोड़ा सा पिन डिटेल। अगर पुराने जनरेशन में जाओगे ना, जैसे इसी आईसी की जगह पे आता था RT8207L, RT8207M, L और M, बस थोड़ा सा पिन्स का फर्क होगा ऊपर नीचे, बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही रहना है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं बदला जा सकता। समझ गया? अच्छा, बहुत से कोड ऐसे हैं लेटर जनरेशन के, है ना? कुल मिलाकर यहां पर कितना आउटपुट है? 3 आउटपुट, ठीक है ना? इस सेक्शन में एक और आउटपुट मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया, 2.5 वोल्ट, है ना? तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है सब मिला के एक ही में डाल दें, मतलब ऐसा भी कर सकती है कंपनियां इस तरह का काम। ऐसा भी कर सकती कंपनी, देखो एक ही आईसी है, समझ गया ना? यहीं से निकल रहा है मेरा बीपीपी, यहीं से निकल रहा है मेरा बीडीडीक्यू, यहीं से निकल रहा है मेरा बीटीटी, यहीं से निकल रहा है मेरा बीटीटी रेफ, चार के चारों वोल्टेज यहीं से निकाल लिए एक ही आईसी से, समझ गया ना? मॉस्फेट हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं भी हो, इंटीग्रेटेड मॉस्फेट हो सकता है, हां हमारी आपको यही चीज यहां पर है, एक ही में कर दिया, इनेबलिंग में गए तो आपका एक S5 हो गया, एक S3 नाम हो गया, ठीक है ना? और कौन सा चाहिए भाई? जीपीपी के लिए मेरा जो यहां पर आएगा ना, यहां पर क्या आएगा? PMSL PS4 या फिर PMSLP, ना? तो ये दोनों के लिए हो गया ना, बीपीपी के लिए भी हो गया और बीडीडीक्यू के लिए भी हो गया, समझ गया? तो कुल मिला के यही साइज का कॉन्सेप्ट है, आपको बाकी चेक करना है।